हाय एवरीवन, वेलकम. स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डाइसीमी में. और मैं हूं आपकी दोस्त अंशिता. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर. मैं जानती हूं इस बार मैंने आपको हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं करा और मेरे चैनल को एक साल पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है. तो कांग्रेचुलेशंस टू अस, एंड आई हैव कंप्लीटेड 100 सब्सक्राइबर्स आल्सो. सो खुशी की बात है. पर दिसंबर के बाद मैं थोड़ी सी लेजी हो गई थी. मेरी छुट्टियां पड़ी हुई है तो मैं लेजी हो गई थी. उसके बाद मुझे वीडियो बनाने का भी मन नहीं हुआ. फिर मेरे किसी कज़न की शादी थी, मैं उसमें बिजी हो गई थी. तो मैं अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है ओ नहीं, वीडियो बना लेनी चाहिए. तो अब मैं वीडियो बना. सो दिस व्लॉग इज अबाउट माई डेली लाइफ. मैं आज दिन भर जो भी करूँगी वो मैं रिकॉर्ड करूँगी. एंड आज है 13th February. फरवरी का महीना चल रहा है. कौन बोलता है फरवरी के महीने में बर्थडेज नहीं आते. मैं हर दिन किसी ना किसी को विश कर रही हूँ हर दिन. और आज भी संज्ञा का बर्थडे 13th February है ना, संज्ञा का बर्थडे. अभी सुबह हो चुकी है. मैं सुबह जल्दी उठ गई थी. हम 8 बजे तक भी उठ जाते हैं. सुबह उठ गई थी. सो मैंने दूध चाय भी पी लिया. मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और अभी 9 बजने वाला है. आज मंडे है और हर्षिता ने अभी कॉलेज जाना है. तो चलो देखते हैं अभी आगे क्या होता है. स्टे ट्यून्ड. आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल. जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो, प्लीज करा दो. तो मैं फ्रेश हो गई हूँ. मैंने दूध वाली चाय पी ली है और अब थोड़ी देर में हर्षिता जाएगी कॉलेज. सो अभी उसे कॉलेज भेजते हैं तब आपको दिखाते हैं. और ये मेरा पहला व्लॉग है तो सबसे पहले तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है वो सारी प्रथाएं पूरी कर दो. और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे साथ. सो चले. अभी 9:30 बजने ही वाले हैं, मतलब सिर्फ 9:20 हो चुके हैं और हर्षिता अभी तक कॉलेज के लिए निकली नहीं है. वो हमेशा लेट हो जाती है. ऐसा कभी कोई दिन होगा जिस दिन वो कॉलेज के लिए जल्दी जाएगी? नहीं. अभी उसको नाश्ता खिलाया, नाश्ता दिया उसको. अब वो तैयार हो रही है. 9:20 ऑलरेडी हो चुके हैं. 9:30 से उसकी क्लास शुरू हो जाती है. अभी उसे कॉलेज जाना है. उसके बाद उसको वॉक करके भी जाना है क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा उसको पैदल भी जाना पड़ता है. और अभी तक वो गई नहीं है. हर्षिता खाए ये लो तुम्हारी बोतल, जल्दी करो. हाय व्लॉग. ओके, नमस्ते. चलो हर्षिता, चलो चलो. अरे मैम बेइज्जती करती है, आने नहीं देती. बाय हर्षिता, बाय टाटा. बाय व्लॉग. टाटा हर्षिता, टाटा. हर्षिता चली गई है. 9:30 हो चुका है शायद. यस 9:30 हो चुका है. मेरा नाश्ता भी आ गया. मैं यहाँ पे नाश्ता करती हूँ. लैपटॉप ये खुला हुआ है. लैपटॉप में थोड़ा सा काम करती हूँ नाश्ता करते हुए. और उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी. फिर एक दो काम है वो करेंगे. यहाँ पे मैं लैपटॉप में थोड़ा सा काम कर रही हूँ. और यहाँ पे मेरा नाश्ता, इसमें है रोटी और मेथी की सब्जी. पता नहीं फोकस इतना अच्छा क्यों नहीं आ पा रहा है. आई एम सॉरी सॉरी फॉर द कैमरा क्वालिटी. जल्दी से 1000 करा दो, अच्छा कैमरा ले लूंगी. एंड चलो फिर फटाफट नाश्ता कर लेते हैं अभी. तो मैं नहा के आ चुकी हूँ. टाइम ज़्यादा ही हो गया, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं. तो अभी मैं अपना स्किन केयर करूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं. तो चलो अभी थोड़ा स्किन केयर करके आती हूँ. हाय गाइस, तो अभी ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं. ऑलमोस्ट क्या, ऊपर ही हो चुके हैं 12 से. और अब मैं जा रही हूँ ज़रा पड़ोस के बाज़ार में. यहाँ पर मुझे किराने की दुकान से एक दो सामान लेना है और फिर मुझे दही भी लेनी है. और क्या कराना था मुझे, अपने डॉक्यूमेंट प्रिंट कराने हैं. आधार कार्ड अपडेट हो गया है, उसको प्रिंट कराना है. सो अभी मैं उधर जा रही हूँ. मस्त धूप हो रही है, देखो पीछे इतना प्यारा मौसम हो रखा है. मुझे दिन की धूप बहुत 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 ज़्यादा पसंद है. मुझे पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, बट मेरे फ़ोन की वॉल्यूम थोड़ी हल्की है. आप जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो, मैं नया माइक ले लूँगी. तो कितना प्यारा मौसम हो रहा है.
हाय, मैं घर आ चुकी हूँ। बस बाजार यहीं पे था और मैं अपना सारा सामान इसमें रख के ले आई हूँ। इतना ज्यादा नहीं है और अभी भी मुझे शायद एक दो काम है, मैं वो कर लेती हूँ फटाफट से। मैं मिलती हूँ आपसे बस बैठ कर आराम से। अब मैं आई हूँ किचन में चटनी बनाने। चटनी नॉर्थ इंडियन हाउसहोल्ड में या चटनी समवट एक साइड डिप की तरह होती है। और पूरे मैं समझा भी किसको रही हूँ, आप ही लोग देख रहे हो। यहाँ पे टमाटर भी भून के रखे हुए हैं, ये धनिया भी है यहाँ पे, मैंने मिक्स निकाल दिया। चलो फटाफट से अब चटनी बना लेते हैं। हाय गाइस, तो मैंने चटनी बना दी है और दोपहर के शायद 1 बजने वाले हैं। अब बहुत दोपहर ही हो चुकी है भाई, मेरा टाइम पता नहीं कहाँ जाता है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक शॉर्ट्स बना दूँ। मेरा रिसेंटली नायका से मैंने एक पार्सल मंगवाया था, वो आ चुका है, तो मैं उसको अनबॉक्स करने वाली हूँ। आप ज़रूर वो शॉर्ट्स जाके देखना। और मैं देख रही हूँ आप लोग मेरे शॉर्ट्स देख नहीं रहे हो, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। फटाफट से जाके देख लो, व्यूज़ चाहिए, मैं भूखी हूँ व्यूज़ की, सब्सक्राइबर्स की। प्लीज़ जल्दी से जाके देखो। और चलो पहले शॉर्ट्स बना लेती हूँ, आगे की बातें बाद में करेंगे, काम तो बहुत है यार। हाय गाइस, मैं बाहर आ चुकी हूँ, धूप में वो बैठ रही और खा रही हूँ ये किन्नू। चलो किन्नू खाते हैं। और ये प्यारी प्यारी धूप है, मैं धूप में दिखाई नहीं देता है भाई, पर ये सर्दियों की धूप मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है। आप कॉमेंट्स में जरूर बताना आपका फेवरेट सीजन क्या होता है। मेरे तो यही होता है जब सर्दियाँ स्प्रिंग में चेंज हो रही होती है, और फिर स्प्रिंग। तो चलो फटाफट से मैं किन्नू खा लेती हूँ। हर्षिता भी बस आने ही वाली होगी अब। हाय, आज तो बहुगना घर आ चुकी है। हर्षिता, हाय गाइस, हाय व्लॉग, आई एम बैक फ्रॉम कॉलेज। उसकी आदत है। क्या कहा संडे तुम्हें? कि मैं होशियार दो बार। हाय गाइस, मैं घर से निकल चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ नानी के घर। नानी के घर जाएंगे, सो मैं इस रास्ते से जा रही हूँ। कितना प्यारा ब्यूटीफुल सा रास्ता आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे खेत और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। दिन के टाइम जब धूप इतनी प्यारी रहती उस समय मुझे ऐसे रास्ते से जाना बहुत पसंद है। आप में बगल में मंदिर, मैं उसी में नमस्ते कर रही थी अभी। यहाँ पे धूप बड़ी प्यारी हो रखी है, ऐसे सनलाइट पड़ रही है शाम का टाइम, जो बहुत पसंद है। बस अभी चलते हैं नानी के घर। और ये रास्ता भी बहुत ही प्यारा है, इसमें बिल्कुल भीड़ नहीं होती है, पर अब होने लग गई है। सो ये हम नानी के घर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको मेरी आवाज़ कम आएगी क्योंकि पीछे ही रोड है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है, पर बाहर तो कोई दिख नहीं रहा। कहाँ गए ये सब लोग? शायद सब सो रखे हैं अभी। मैं अंदर चलती हूँ। क्या कर रही हो तुम लोग? सो रखे हैं? हाँ, वो नहीं आई हर्षिता? वो सो रखी है। मैं नानी के घर पहुंच चुकी हूँ और मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अभी मैं यहाँ पे बाहर में बैठ रही हूँ, हल्की हल्की सनलाइट अभी भी है। टाइम कितना हो रहा होगा? 4:30 हो रहे होंगे शायद। ईशु अभी जा रही है अपनी डांस क्लास के लिए, मम्मी अंदर बैठ के टीवी देख रही है और मेरी नानी वो रही बस खेतों में। माय नानी लव हर खेत। गाइज अभी 6 बज चुके हैं और मैं घर जा रही हूँ। अंधेरा हो गया है, वीडियो क्वालिटी भी ढंग की नहीं आ रही है, हल्ला बहुत हो रहा है यहाँ पे क्योंकि
बाहर रोड है तो गाड़ियां चलती रहती हैं, तो चलो अभी मैं घर चलती हूँ, अंधेरा होने वाला है। 6:40 हो चुके हैं, मैं अभी अभी घर पहुंची हूँ और बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है, तो अभी अभी मैं आई हूँ। अब हाथ पैर धुलते हैं और फिर मैं पूजा करने जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आज बैठे नहीं है, बैठेंगे थोड़ी। हाय, तो मैं फ्री हो गई हूँ, अब मैं फ्री हो गई हूँ, अब मैं बैठ रही हूँ। 7 बज चुके हैं, एकदम परफेक्ट 7 बज रहे हैं। सो आज दिन भर थोड़ा हेक्टिक था इधर उधर, पर अब मैं बैठ के अपना प्रोजेक्ट का काम कर रही हूँ। नहीं तो आरती और प्रियंका ये व्लॉग देखेंगे, बोलेंगे हमसे तो बहुत काम बोल रही है, ये करना है वो करना है, खुद कुछ नहीं करती। लेकिन मैं करती हूँ, आज थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था तो अब कर रही हूँ, नहीं तो मैं करती हूँ भाई। कल एक पूरा व्लॉग बनाना पड़ेगा जिसमें मैं बस कंप्यूटर के आगे यूँ बैठ रही हूँ, बोलूँगी काम कर रही। फिर तब तक आप जाके मेरे शॉर्ट्स देखो, वो शॉर्ट्स एडिट करके मैं डाल चुकी होंगी शायद अभी तक, तो आप जाओ। मैं आजकल शॉर्ट्स ऑल्टरनेट डेज पे डाल ही रही हूँ, वो देख लो, प्लीज देख लो। उस पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, आप जाके उसके व्यूज बढ़ा दो तब तक प्लीज। ये खाना आ गया है, मेथी की सब्जी, ये दाल और ये चटनी, और चटनी मैंने बनाई थी याद है आपको। और यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ जाजंगमियोन। हाय गाइस, आई एम बैक। तो डिनर विनर सब हो गया, रात के 10:30 बज चुके हैं और अब मैं भी सोने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं भी अभी भी लैपटॉप में थी, फिर अपना वीडियो एडिट कर रही थी, तो शायद ये वीडियो आपको परसों तक मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। आप प्लीज अपना प्यार बरसाएं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी होता है सब करें। तो मैं आपको मिलूंगी फिर किसी और समय किसी और वक्त पर इसी चैनल पे डाइसी मी। तो बने रहे मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।